अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी बच्ची ने सुबह में मुझे बोली, मम्मी आज टिफ़िन में क्या दे रहे हो? तो मैंने सोची नूडल्स बना देती हूँ, इसीलिए आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रोज़ सुबह में समझ में नहीं आता है क्या करें क्या दे बच्चों को, इसलिए मैंने नूडल्स उबाल दी। ठीक है, अब कढ़ाई में तेल डाली हूँ, उसमें अदरक लहसुन डाल दी। और जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा हल्का सा फ्राई हो जाता है, उसके बाद हम बाकी की सब्ज़ियाँ डालेंगे उसमें, जैसे कि प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी की हमारी सब्ज़ियाँ, जैसे कि प्याज की पत्ती हो गई, पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, ये सब हम उसमें अच्छे से डाल देंगे। वो डालने के बाद में उसे अच्छे से तल लेंगे, भून लेंगे। और उसके अंदर हम थोड़ा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा विनीगर डालेंगे और रेड चिली सॉस होता है ना, वो डाल देंगे। ठीक है, देखिए अभी मैं विनीगर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने वाइट पेपर था, वाइट पेपर भी डाल दी हूँ, अगर आपके पास हो तो डालिए और ना हो तो फिर आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। ठीक है, और ये जो मैगी मसाला होता है ना, वो भी मैंने डाल दी, थोड़ा नमक डाल दी, नूडल्स का मसाला होता है ना वो भी डाली थी। ठीक है, और कैसे आप सब लोग? दुआ करती हो सब अच्छे ही होंगे, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, हमेशा तंदुरुस्त रखे। देखिए लाल मिर्ची का पेस्ट वो भी डाल दी मैंने। ठीक है, इससे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाला भुन चुका है, उसके बाद हम इसमें उबली हुई हमारी जो नूडल्स थी वो उसमें डाल देंगे। अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। कहीं पर अगर वीडियो में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने में, वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा डरती हूँ। वीडियो मैंने थोड़े अपलोड की पहले, लेकिन ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में अपलोड करना बोले तो थोड़ा मेरे लिए टास्क है, दिक्कत वाला काम लग रहा है। नहीं क्या शुरुआत है ना, इसीलिए दुआ कीजिए, देखते हैं ये सफ़र कहाँ तक लेके जाता है मुझे। ठीक है, देखो अब मैं ये मतलब एक चम्मच से तो ठीक से मिक्स हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने दूसरी चम्मच लेकर साथ में, और वो भी मिक्स करने लगी तो अच्छे से मतलब इजीली हो गया, आराम से, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे मिक्स करने में। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में हम इसको दम पर मतलब रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे मिक्स हो गया उसके बाद में दम पर रख देंगे, और जैसे दम हो जाता है उसके बाद में फिर गर्मा गर्म सर्व करो। और ये सब चीज़ें ना गर्म ही अच्छी लगती है खाने में, ज़्यादातर तो ठंडी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी वो बच्चों की रिसेस होने तक तो टाइम हो ही जाता है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है। रात में ही बोलकर सोई थी मेरी बेटी मुझे, मम्मी मुझे सुबह में नूडल्स देना टिफ़िन में। तो देखो हमारे ये दम पर मैंने रख दी थी इसको ढककर, तो अभी अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें टिफ़िन में डालने की तैयारी करेंगे इसको। ठीक है, ये देखो मैं टिफ़िन डाल रही हूँ मेरी बच्ची का। ठीक है, और कहीं पर अगर कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ आपको मतलब लग रहा है, कुछ कमी लग रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके, चलिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, अल्लाह आपकी हिफाज़त करे, तंदुरुस्त रखे आपको। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, बच्चों को बड़ों की दुआएं लीजिए, अल्लाह हाफिज़।